नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज में मुजाहिद भारतीय, आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम अध्यक्ष तपन भौमिक आज गुना पहुंचे। एकात्म यात्रा उज्जैन से 19 दिसंबर से प्रारंभ हो रही है और 30 दिसंबर को गुना जिले में प्रवेश करेगी। यात्रा गुना में दो दिन तक विभिन्न क्षेत्रों में घूमते हुए अशोकनगर के लिए प्रस्थान करेगी। उक्त बातें आज कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष तपन भौमिक ने मीडिया जनों के समक्ष रखी। साथ ही उन्होंने बताया कि यह एकात्म यात्रा उज्जैन से शुरू हो रही है और गुना जिले में इसका भव्य बनाने के लिए आज उन्होंने गुना जिले का दौरा किया है। वहीं पर्यटन के क्षेत्र में गुना जिले को बढ़ावा देने की बात भी उन्होंने कही है। गौरतलब है कि यह एकात्म यात्रा 19 दिसंबर को एक ही समय पर चार अलग अलग जगहों से प्रारंभ होकर ओंकारेश्वर पर सम्पन्न होगी। इस यात्रा के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की बात भी आज प्रेस वार्ता के दौरान पर्यटन मंत्री ने कही। वो अमरकंटक से यात्रा निकल कर अमरकंटक तारीख कौन सी रही? सब एक ही तारीख, अमरकंटक से ये निकल कर मंडला, भिंडोरी, बालाघाट, जबलपुर, सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा होकर के और ये यात्रा भी अंदर शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर के संपूर्ण जिला केंद्र पे ये यात्रा कम से कम संपूर्ण यात्रा में पहुंचेगी। सभी यात्रा में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग के महंत या संत बड़े स्तर के लोग इस यात्रा में पूरे समय रहेंगे। बात जहाँ तक अपनी यात्रा है, ये यात्रा क्रमांक है, इसका नाम है उज्जैन से ओंकारेश्वर। इसमें श्री श्री परमानंद जी, सरस्वती महाराज और राजकोट ये पूरे समय इसमें रहेंगे। प्रत्येक जिले में बाकी संत सब परिवर्तित हो जाएंगे, उस जिले के संत समाज इस यात्रा में मुख्य रूप से रहेंगे। संतों को विश्राम इत्यादि में परेशान ये ना हो, इसके लिए उनके लिए कैरावैन जो वाहन है जिसके अंदर संपूर्ण व्यवस्था रहती है सोने उठने की, एक वाहन, दो बसें और 5 गाड़ियों की व्यवस्था और परमानेंट उनके साथ चलेंगे, लगातार उनके साथ चलेंगे, इनके लिए व्यवस्था की। जिले में कई स्थानों पर लघु पड़ाव और रात्रि विश्राम की व्यवस्था की गई है। इस 35 दिन में जहाँ जहाँ रात्रि विश्राम है वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। संस्कृति विभाग की ओर से, समाज के अन्य बंधुओं की ओर से और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी वहाँ पे सतना, सीधी, शहडोल और साथ ही भोपाल संभाग के विदिशा, रायसेन, शाजापुर ये सब होते हुए 21 तारीख को ओंकारेश्वर और चौथी पर्यटन में हम पीछे थे। अब जल पर्यटन में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 5-6 स्थानों को चिन्हित करके हम लोगों ने जल पर्यटन में बड़ा भारी काम किया, उसका पुरस्कार भी मिला इस साल हमको। एक तो हमने इंदिरा सागर जो परियोजना है उसमें 245 स्क्वायर किलोमीटर में पूरा पानी भरा हुआ है, तो उसके तट पर धनवंतिया बसाया। धनवंतिया बसा करके आप सारे पत्रकार बंधु सभी आमंत्रित, आप लोग आइए, दो तारीख तक हमारा जल महोत्सव चल रहा है। 22 तारीख को 11:15 बजे और इस यात्रा पूर्ण करेंगे अपन। इसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी उपस्थित रहेंगे। प्रत्येक गांव से जो एक कलश आ रहा है और प्रत्येक गांव से मिट्टी आ रही है, हमने प्रत्येक पंचायत से एक कलश धातु के रूप में, जिसका नाम धातु संग्रहण भी है, 108 फीट ऊंची मूर्ति बनाने के लिए और धातु का संग्रहण किया जा रहा है। एक कलश और मिट्टी, कलश और मिट्टी, ये जो मिट्टी है इस मिट्टी से उसका आधार बनाया जाएगा। ये जो धातु होगा उस धातु में आवश्यकता अनुसार वो कम ज़्यादा करके 108 फीट ऊंची मूर्ति बनाने का संकल्प ओंकारेश्वर में ओंकार पर्वत में बनाने का निर्णय
मध्य प्रदेश के अशोक सिंह मुख्यमंत्री, माननीय शिवराज जी, मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश के सारे साधु संत आइए देखें। जिला पुलिस बल गुना द्वारा आयोजित किया गया जिला स्तरीय प्रशिक्षण सम्मेलन। उक्त प्रशिक्षण सम्मेलन ग्राम एवं नगर रक्षा समिति के सदस्यों के लिए रखा गया, जो कि 14 एवं 15 दिसंबर को पुलिस लाइन में आयोजित हो रहा है। आज इस प्रशिक्षण सम्मेलन में जिला पुलिस अधीक्षक निमेश अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र सिंह तोमर सहित पुलिस विभाग के कई अधिकारीगण उपस्थित रहे, जिन्होंने ग्राम एवं नगर रक्षा समिति के सदस्यों को यहाँ कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। जैसा कि पुलिस अधिकारी अपना कार्य करता है, उसको भी वही दर्जा प्राप्त होगा, ऐसा इसमें समावेश किया गया है। अपने आप में और मजबूत होकर उभरी गुना जिले की रक्षा समिति ने भी समय समय पर पुलिस के साथ भिन्न भिन्न मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1999 में विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं बनाई गई। वर्ष 2001 में पुनः इसमें एक संशोधन किया जाकर उनको लोक सेवक का दर्जा भी दिया गया। अब सभी पधारे हुए जो रक्षा समिति नगर रक्षा समिति के सदस्य हैं, मैं पुलिस परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कुलदीप सूद जी ने बताया था, मेरे को भी यहाँ पर कोतवाली में 3 साल से ऊपर हो गए हैं, तो रक्षा समिति ने हम लोगों का बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। एक अल्प सूचना पर हम खुद साहब को सीधे एक सूचना देते हैं और ये पूरी टीम के साथ, चाहे दिन हो चाहे रात हो, तत्काल कोतवाली में उपस्थित हो जाते हैं। और टेकरी का एक मेला बहुत बड़ा, सब लोगों की वजह से बहुत बड़ा मेला भरता है, उस पर भी आप पूरे दिन भर रात्रि में मेरे ख्याल से 3-4 बजे आ जाते हैं, और जब तक मेले का समापन नहीं हो जाता तब तक महिला और पुरुष नगर रक्षा ग्राम रक्षा समिति के सदस्य बराबर लगे रहते हैं, जिससे कि वहाँ पर पुलिस को उन लोगों से काफी मदद मिलती है। कोई भी घटना, चाहे चोरी की हो चाहे कोई अन्य घटना, कोई संदिग्ध व्यक्ति हो, उनको पकड़ने में काफी हम लोगों को मदद करते हैं। इस बार भी इन लोगों ने काफी मदद करी थी, जिससे हमारा मेला बिल्कुल सुचारू रूप से रहा था। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष तपन भौमिक आज पहुंचे गुना। यहाँ उन्होंने जिलाधिकारी समेत कई संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक ली। गौरतलब है कि आदि शंकराचार्य एकात्म यात्रा गुना से 30 दिसंबर को गुजरेगी, जिसकी तैयारियों को लेकर आज उन्होंने यहाँ पर बैठक ली। इस बैठक में पर्यटन मंत्री तपन भौमिक सहित गुना विधायक पन्नालाल शाक्य, जिला कलेक्टर राजेश जैन, भाजपा जिलाध्यक्ष राधेश्याम पारिक, एकात्म यात्रा गुना जिला प्रभारी ओएन शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा सहित बड़ी संख्या में विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। एक यात्रा ऊपर है सर, जहाँ जहाँ चारों स्थानों पर, अरे भाई ये बीच बीच में मत आइए, आप लोग मत आइए, अभी बात की तो उद्गम है उस स्थान पर और रीवा में एक स्थान है पचमढ़ा करके, इन चारों स्थानों पर शंकराचार्य जी का आगमन हुआ है। आदि शंकराचार्य जी का मंत्री जी रहे और बैठकर ये सारा प्रदान किया। ये तो ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा की स्थापना, थमने का नाम नहीं ले रही है पारदी समुदाय की आपसी रंजिश। पारदी समुदाय की महिलाओं का एक गुट आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने पुलिस अधीक्षक निमिश अग्रवाल से आग्रह किया कि उन्हें सुरक्षा दी जाए। कुछ लोग उनके बयान पलटवाने के लिए उन पर लगातार दबाव बना रहे हैं, साथ ही उन्होंने तरह तरह की धमकियां भी दे रहे हैं। वहीं जब पारदी महिलाएं पुलिस अधीक्षक को अपना आवेदन देने के लिए पहुंची, तो किसी कारणवश पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ही इन लोगों में हाथापाई हो गई। बताया जा रहा है कि जिन लोगों में हाथापाई हुई है, वह दोनों पारदी समुदाय के अलग अलग गिरोह से हैं। यह हाथापाई एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के विरुद्ध में आवेदन देने को लेकर होना बताई जा रही है। मेरे को तो इंसाफ करवाना है, दूध का दूध, पानी का पानी, मेरे को तो जो सरकार करेगी उनमें रहना में भी वो मुआ नहीं रहता। मेरे को तो सरकार चाहिए, सरकार से मेरे को न्याय चाहिए, मेरे को और कुछ भी नहीं। धमकी दी क्या तुम्हारी मम्मी कहाँ है, तो बच्चों ने बोला कि हमारी मम्मी फूल डालने गई है, तो को उनसे ऐसे बोल देना कि हमारे नाम कटवा दे, नहीं तो तुमको भी नहीं छोड़ेंगे।
मेरा तो कोई है नहीं पार्टी में लड़ने वाला, ना हम किसी के विरोधी भी नहीं थे। तो मैं दरखास्त देने को गई तो मेरे को नंगी गाली देके और मेरे बाल से लूम गई। नुकसान भाई, अच्छा तो अभी क्या हो गया? अभी तो चेडी से अम्मा, अभी तो बुलाया जा रहा, अभी तो बुला मेरे से लड़ रही है। समस्याएं लेके एक मेरे घर पे उधर वाले मोहर सिंह की पार्टी के मेरे घर पे गोली चार जून ने आके करी। वो ऐसे बोला, वो मेरा भतीजा है रुखसात, उसके मैं उनकी काकी हूँ, तो बोला कि तू गवाह बदला दे उनकी। तो उनमें मेरे बच्चे अभी मर्डर जो हुआ है शेजादी का, उनमें बोल रहे हैं कि तेरे बच्चे के नाम है, हम कटवा देंगे तो वो गवाह बदला देगी। तो ऐसे बोला उन्होंने। और ये उमेश यादव है, वो है मतलब वो ये फरारी को इलामी को पकड़ रहा है। अब वो तो जिन पे मर्डर रहेंगे इलामी रहेंगे वो तो पुलिस उनकी कार्रवाई करेगी सारी। ऐसे अब उनको मोर सिंह की टीम वाले गांव वाले 5,000 रुपये करके, वो मतलब एक एक घर से 5,000 रुपये करके उमेश यादव को मतलब हिड़वाने देख रहे। वो क्योंकि उनका पुलिस वाले का काम है मर्डरी कोई रहो फरारी कोई रहो उनको तो पकड़ने का काम है। हमारी तरफ के रहो या उनकी तरफ के रहो कोई भी रहो। स्थानीय संजय स्टेडियम में चल रहे ऑल इंडिया T20 लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में आज मुख्य अतिथि के रूप में पर्यटन मंत्री तपन भौमिक उपस्थित रहे। यहां उन्होंने कई शानदार मुकाबलों का आनंद भी लिया। गौरतलब है कि उक्त क्रिकेट टूर्नामेंट में देश भर से कई टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें आज ग्वालियर एवं झांसी की टीमों का आमना सामना हुआ। आइए नजर डालते हैं आज हुए इन मुकाबलों की कुछ झलकियों पर। केंद्र में हमारे आदि शंकराचार्य जी लगे हुए चित्र, उन पर लिखे हुए वाक्य, उनका दर्शन, हमारे सभी दर्शक मैच के साथ साथ मेरा आग्रह है कि उसे जरूर देखें, समझने की कोशिश करें ताकि हमें ये गौरव और गर्व प्राप्त हो सका है पूरे विश्व में। ये विश्व के महापुरुष तमाम की आज विधिवत उद्घाटन के कार्यक्रम में हमारे मध्य दादा के नाम से पूरे मध्य प्रदेश में चिरपरिचित सम्मानी श्री तपन भौमिक जी, जो मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त एवं मध्य प्रदेश टूरिज्म कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं, उनको हम सब के बीच में आज इसको उद्घाटन में पाने पे हम सब बहुत बहुत गौरवान्वित हैं। भाई साहब, ये सारी परेशानियां मैंने खुद भी भोगी हैं। जब मैं विद्यार्थी था ना तो मेरे को लोग पीछे धकेलते थे, और मैं ऐसा रंग रूप से भी नहीं था, रंग भी मेरा जो है तो आपके सामने चल हटा। अब मेरे को एक ही शील्ड नहीं मिली उस खेल के कैंप में पहुंचने तक की, पर आप सबने मुझे जो सम्मान दिया है ना, मैं कहता हूँ मेरे घर में 4-5 अलमारियां भर गई सीढ़ियों, उसकी पूर्ति आप सबने करा दी है बिना पक्षपात के आपने करा दी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ इसी बात के लिए, इस एकात्म यात्रा की संकट बनी ये नगर बताया ना, मैं तीसरी चौथी बार बोल रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय लोगों को जन्म देता ये, तो उस एकात्म यात्रा की संख बनी राष्ट्रीय स्तर पर उठना चाहिए। भाई हमारे गुना से जी राधे जाती अरे परिचय प्राप्त करते हुए झांसी रेलवे
ग्राउंड नहीं छोड़ रहा सचिन यादव गौरव मिश्रा चाहत अंसारी जो की टीम के विकेट कीपर है और दूसरी तरफ एक और मेहमान टीम उत्तर प्रदेश एक्सपर्ट हो जो पगड़ी बांधी जाती है साफा शादी ब्याह में ताऊ जी या बाबू जी या बड़े दादा जी को बुलाया जाता है साफा बांधने के लिए परंपरा है हमारा आज जनपद बमोरी के सभाकक्ष में स्वच्छ भारत मिशन के प्रेरकों की एक सभा आयोजित की गई। यहाँ पर किस प्रकार बमोरी जनपद को खुले में शौच से मुक्त बनाया जाए इस पर प्रेरकों से चर्चा की गई। यहाँ पर उन्हें दिशा निर्देश दिए गए कि किस प्रकार वे लोगों को इस ओर जागरूक करें कि वे अपने घरों में शौचालय बनाएं, साथ ही इन शौचालयों का उपयोग भी करें। इस बैठक में संबंधित कई अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित रहे। उपयोगी है, अनुपयोगी है या निर्माण में है, निर्माण समझ गए? आगे समझ में शौचालय के प्रकार का ये रहा। उसके बाद उसकी समग्र आईडी सरकार जानते हैं अपन सीपीएस, उसमें एक सफेद पर्ची चिपकी होती है, उसमें फर्स्ट पे लिखा होता है समग्र आईडी, उस नंबर को अपन को उसमें से लेना है। और हाँ चाहे और कुछ हो जाए, अगर आप कुछ डर में है मोबाइल नंबर अगर आपको मिल जाए अपने एक दिवसीय गुना प्रवास पर आए कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त पर्यटन मंत्री तपन भौमिक ने आज दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने यहां मीडियाजनों से बात करते हुए दिग्विजय सिंह की नर्मदा यात्रा पर व्यंग कसा। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह के पाप एक नर्मदा यात्रा से तो नहीं धुलेंगे, उन्हें अपने पापों को धोने के लिए कम से कम 5 नर्मदा परिक्रमाएं करने पड़ेंगी, इसके बाद ही नर्मदा माँ उन्हें माफ कर पाएगी। उनने जितने पाप है उनको नर्मदा परिक्रमा 5 बार करनी पड़ेगी। हाँ 5 बार उनने मध्य प्रदेश को डुबवाने में उनका इतना बड़ा योगदान रहा, तो माँ नर्मदा माफ तभी करेगी जब उसको 5 बार यात्रा करे। डीजीआना न्यूज में आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।